हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल रंजू क्लासेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। फ्रेंड्स, आज हम 7 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हेलेन केलर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, 7 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट हेलेन केलर। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी, हेलेन केलर वॉज वन ऑफ द अनफॉरगेटेबल अमेरिकन ऑथर। यानी कि ये एक अमेरिकन ऑथर थी। अनफॉरगेटेबल मीन्स जिसको कभी नहीं भूला जा सकता। ठीक है, हु डिलीवर्ड हंड्रेड्स ऑफ ब्यूटी टू द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर्स। मतलब उन्होंने बहुत से ऐसे वर्क्स लिखे हैं जो लिटरेचर को क्या करते हैं, ब्यूटी प्रदान करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड लिटरेचर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है, शी लॉस्ट हर साइट एंड हियरिंग टू एन एक्यूट इलनेस विच वॉज प्रोबेबली मेनिंगिटिस और स्कारलेट फीवर। ठीक है, मेनिंगिटिस और स्कारलेट फीवर, यानी शी लॉस्ट हर साइट। साइट मीन्स यहाँ पर उनकी आई साइट की बात हो रही है, वो ब्लाइंड हो गई थी। ठीक है, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। हियरिंग मीन्स वह डेफ भी थी। ठीक है, टू एन एक्यूट इलनेस, बहुत ही एक्यूट का मतलब होता है कैसी बीमारी। एक्यूट मीन्स तीव्र, मतलब हम बोल सकते हैं। ठीक है, और उनको वो बीमारी का नाम भी बताया उन्होंने, ये जो लिखा हुआ है ना, मेनिग्निटिस और स्कारलेट फीवर। मेनिग्निटिस जो होता है ये एक दिमागी बुखार होता है। ठीक है, मतलब उन्हें ये वो प्रॉब्लम हो गई थी माइंड में। ठीक है, और स्कारलेट फीवर हो गया था उन्हें, तो मतलब बचपन में उन्हें इतनी प्रॉब्लम्स का है जो सामना करना पड़ा था। उसके बाद हेलेन केलर मास्टर द टेडोमा मेथड टू कम्युनिकेट विद पीपल एंड लर्न द आर्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, विच मीन्स हेलेन केलर मास्टर द टेडोमा मेथड। टेडोमा मेथड होते हैं जो कम्युनिकेट करने के कर सकती थी, लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकती थी। किस मेथड के द्वारा कम्युनिकेट करती थी? टेडोमा मेथड के द्वारा। ठीक है, क्योंकि जब वो ब्लाइंड थी, ठीक है, और वो उन्हें सुनाई भी नहीं दे रहा था, तो उन्होंने ये कम्युनिकेशन जो स्किल जो थी खुद सीखी थी, मतलब अपने टीचर्स वगैरह से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हेलेन केलर डिलीवर्ड 12 पब्लिश्ड बुक एंड मोर देन हंड्रेड्स ऑफ स्पीचेस एंड एसेज ऑन वेरियस टॉपिक्स टू इनक्रिप्ट हर नेम ऑन द बुक ऑफ लिटरेचर। ठीक है, उन्होंने कितने मतलब हेलेन केलर डिलीवर 12 पब्लिश्ड बुक, मतलब उन्होंने कितने बुक्स को पब्लिश किया था, 12 बुक्स को जो उन्होंने पब्लिश किया था। ठीक है, एसेज थे वेरियस टॉपिक्स के ऊपर। नेक्स्ट है, शी जॉइंड द रेडक्लिफ कॉलेज ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड एस्टेब्लिश्ड हर नेम एज द फर्स्ट डेफ एंड ब्लाइंड पर्सन टू कलेक्ट अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री। शी जॉइंड द रेडक्लिफ कॉलेज ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का इन्होंने रेडक्लिफ कॉलेज को ज्वाइन किया था। ठीक है, एंड एस्टेब्लिश्ड हर नेम एट द फर्स्ट डेफ एंड ब्लाइंड पर्सन टू कलेक्ट अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री, विच मीन्स इन्होंने अपना एक नाम बनाया था। ठीक है, इन्होंने नाम बनाया था किसके बावजूद? ब्लाइंड एंड डेफ होने के बावजूद उन्होंने बैचलर डिग्री हासिल की थी, बैचलर डिग्री प्राप्त की थी। क्योंकि ऐसे में तो बंदा हार जाता है, क्योंकि उसे दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, तो बंदा हिम्मत हार के बैठता था। बट हमें इनसे सीखने को मिलता है कि वो कैसे एक अच्छी राइटर उभर कर सामने आई थी। ठीक है, ब्लाइंड होने के बावजूद भी, डेफ होने के बावजूद भी, उनके टीचर्स ने उन्हें इनकरेज ज़्यादा किया था। ठीक है, हेलेन केलर वॉज प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन एंड इन 1903 शी जॉइन द सोशल पार्टी ऑफ अमेरिका एज अ सोशल एक्टिविस्ट, विच मीन्स हेलेन केलर वॉज प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन। यानी हेलेन केलर जो थी किसकी सदस्य बन गई थी? अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन की जो उन्हें मेंबर बना दिया गया था। एंड इन 1903 शी जॉइन द सोशल पार्टी ऑफ अमेरिका एज अ सोशल एक्टिविस्ट। ठीक है, मतलब इन्होंने सोशल पार्टी को, सामाजिक पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया था अमेरिका की। ठीक है, एज अ सोशल एक्टिविस्ट के रूप में उभर कर सामने आई थी। एंड लास्ट पॉइंट इज दैट अ पार्ट ऑफ हर ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, अ पार्ट ऑफ हर ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, इन्होंने खुद लिखा है। ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा जो बोलते हैं। ठीक है, यानी
हेलेन केलर ने अपने बारे में जो है इसके अंदर बताया हुआ है, ठीक है, कि कैसे कैसे उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, फिर कैसे उन्होंने उन प्रॉब्लम्स का सामना करके वो आगे बढ़ी, उन्होंने बैचलर डिग्री प्राप्त की, और टीचर्स का उनकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है ये भी बताया गया है। किसी दिन हम इस वीडियो को भी कवर करेंगे, बट आज हम आपको सिर्फ 7 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहे हैं हेलेन केलर के बारे में, ये आपको पता होना चाहिए मस्ट। अपार्ट ऑफ हर ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ पोर्ट्रेट केलर एंड सलिवानाज ब्यूटी स्टोरी विच पोर्ट्रेट रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, यानी कि स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में क्या रिलेशनशिप था ये हेलेन केलर ने इस जो अपनी ऑटोबायोग्राफी में इन्होंने बताया है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों जो मैंने आज 7 इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं आज डिस्कस किए हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।